हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। और आज मैं बात करूंगा क्लॉप के ट्यूटोरियल के बारे में। जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हैं, जो आपको दिख रही है ये एडिटेड है। ये मैंने अपने तरीके से एडिट करी है, थोड़ा बहुत क्लॉप का रेफरेंस लिया है इमेज का, लेकिन उसके जैसी नहीं बनाई है मैंने। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, दोनों पिक डिफरेंट है। मैंने अपनी प्रोफाइल पे डाल रखी है, तो आप इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम ट्यूटोरियल के साथ। सबसे पहले बेस इमेज ऐसी थी कुछ। सबसे पहले मैंने यहाँ से हैंड रिमूव करा था ये। अब जिनको स्टैम्प टूल नहीं चलाना आता उनके लिए मैं बता देता हूँ। स्टैम्प टूल ये होता है, और जस्ट आप बेसिकली यहाँ क्लिक करेंगे और आगे ऐसे जैसे आपको दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने ये रिमूव कर दिया पार्ट्स। ठीक है, ऐसे ही करते करते धीरे धीरे यहाँ तक आना है आपने। ठीक है, अब जैसे ही आप ये वाले पार्ट पे आ जाएंगे, यहाँ तक आप तो सिमिलरली रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे आते ही आपको थोड़ा फ्लो को हाई रखना है और राइट क्लिक करके हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा लेना है 80 तक, और ब्रश का साइज छोटा कर देना, और बिल्कुल स्लोली स्लोली करना है यहाँ पे ऐसे, कि एक एज बन जाए, कटा हुआ हाथ ना लगे ये आपको। सो यहाँ पे ये अगर मैं इस पार्ट को हटा दूँ तो ये वाला पार्ट अब ऐसा लग रहा है कि एक बंदा खड़ा है। हमें बस यही अचीव करना है। आप स्टैम्प टूल ऐसे ही कर सकते हैं, ऑल्ट दबाएंगे तो वो उस जगह का सैंपल ले लेगा, और पेंट करेंगे तो ऐसे पेंट कर देगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये सैंपल आउट कर दी थी इमेज, और मैंने ये ब्लैक बॉर्डर कैसे हटाए थे, यहाँ मैंने सेलेक्ट करा था और वी दबाया। वी दबाने से ये आ जाएगा, और शिफ्ट और ऑल्ट नहीं, हाँ नहीं, शिफ्ट आपको शिफ्ट ही दबाना है। शिफ्ट दबा के बस इधर ड्रैग करना है आपने, सो ये फैल जाएगा। ये कभी कभी एक्सटेंड करने में भी काम आता है इमेज को। एक ये बहुत हेल्पफुल टूल है, आप इसे भी सीखें यूज़ करना। मैंने एक्सटेंड कर रखी है यहाँ पे। अब मैंने कर्व डाला था जिससे थोड़ा सा चेहरे पे ग्लो आए, और अंडरलाइन लेयर थोड़ी सी सेपरेट करी थी, और फिर मैंने डाले जेलीज। सबसे मेन काम, अगर ये आपको जेलीज नहीं डालने आते तो या तो इसकी मैं एक पीएनजी बनाऊं वो दे दूं आपको, या आप वैसे भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट पीएनजी कर देता हूँ शायद। इस पार्ट को मैं एक्सपोर्ट ही कर देता हूँ पीएनजी में, कि आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये पीएनजी बन गई है। ठीक है, अब इसे जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और स्क्रीन मोड चेंज करना है बस, तो ये आपका डायरेक्ट जेलीज आ जाएंगे सारी जगह, जहाँ ऑटोमेटिक आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये पीएनजी मैं ज़रूर लिंक करूँगा आपके लिए डाउन डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेंगे मीडिया फायर लिंक के थ्रू। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये दिखा देता हूँ, ये बहुत छाते ही मेहनत कर रही थी यहाँ पे। मैं इसकी ये यहाँ पीएनजी ही क्रिएट कर देता हूँ। अगर आपको समझना है इसे, तो मैंने कैलॉप के बहुत पहले ट्यूटोरियल डाल रखे हैं ग्लोइंग के, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। ग्लोइंग सेम वही है, स्क्रीन मोड कर रखा है और जस्ट हल्का हल्का पेंट करा है उसके ऊपर। ये मैं पीएनजी डाल दूंगा। पीएनजी डालने से सेम काम हो जाएगा आपका, कोई ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज ग्लो डाला था हल्का सा, यहाँ पे ये ऑरेंज ग्लो आप देख सकते हैं। जस्ट मैंने ब्रश लिया स्क्रीन मोड में, ये कलर किया और यहाँ से ब्रश लिया था, और जस्ट पेंट 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 पेंट, आप देख सकते हैं आराम से वहाँ ग्लो आ गया, यहाँ ग्लो आ गया। ग्लो बनाना इतना इजी है कि हर कोई कर सकता है यार, पता नहीं लोग डरते क्या ग्लो बनाने से। और फिर डबल क्लिक करके अंडरलाइन लेयर को सेपरेट कर दो, नहीं तो ये आपका ग्लो ऐसा दिखेगा और मेरा ग्लो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ फर्क आ जाता है, जो आपको सीखना थोड़ा सा ही है। और फिर ब्लू के लिए भी करना होगा सेम। यहाँ थोड़ी मेरी पीएनजी अलग जा रही है।
तो आप सही हो गई है, वो थोड़ी रिसाइज कर दी थी मैंने पीएनजी को। और यहाँ सेम ब्लू में भी आपको ऐसे ही करना होगा, जस्ट अंडरलाइन लेयर और कलर डॉज पे कर रखा है, नॉर्मल आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आपको बस सैंपल करना है। अब मैं बताता हूँ सैंपल कैसे करते हैं। अब जैसे ब्रश सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट दबा के जो भी आपका डार्क से थोड़ा अंदर होगा वही आपका ग्लो कलर होगा। देखिए यहाँ ग्लो कितना अच्छा हो रहा है, समझे, ग्लो हो रहा है थोड़ा सा अंदर, और ये देखिए ग्लो पार्ट है वो। तो ऐसे आपको ग्लो पॉइंट मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और फिर मैंने यहाँ हल्के से बोके डाले हैं, ये तो नेट से पीएनजी मिल जाएगी, और जैसे स्क्रीन मोड कर दिया है। और यहाँ घर के पास भी मैंने थोड़े से बोके डाल दिए हैं, और इसमें कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ ब्लैक लेयर है। और ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, आप ये डालेंगे स्पार्क्स फ्लाइंग पीएनजी तो आपको ये भी मिल जाएगी गूगल पे, और जस्ट मैंने यहाँ पुट कर रखा है। और फिर उसके बाद मैंने स्टैम्प बना के हल्की सी कलर ग्रेड करी है यहाँ पे। कलर ग्रेड इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंट्रास्ट को बस बढ़ाइए, और जितने भी वाइट्स हाईलाइट और एक्सपोजर है उसे डाउन रखिएगा हमेशा, मतलब कंट्रास्ट के ऊपर वर्क करिए अगर आपको कलर ऐसे पॉपी चाहिए तो। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ लेवल्स यूज़ करा था कलर को, मतलब थोड़ा फेस को थोड़ा एनहेंस करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रखा है मैंने। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ कर्व्स यूज़ करा था, कर्व को मैंने बहुत ही ऊपर ले गया, और फिर ब्लू से मैं उसे नीचे ले आया। ब्लू से नीचे लाने का ये मतलब होता है कि मैं येलो कलर इन ले रहा हूँ, तो जितना मैं येलो कलर इन लूँगा उतना ये जो जेली है वो ऐसा लगेगा कि इसकी रिफ्लेक्शन मेरे चेहरे पे आ रही है। तो जस्ट इसी के लिए मैंने यूज़ करा था, और फिर मैंने मास्क आउट कर दिया था, नहीं तो बिना मास्क के ऐसा दिखता है, और मास्क करने पे ऐसा दिखता है कि बस चेहरे पे ही है वो इफेक्ट। तो यहाँ तक ये ग्लो परफेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सिंपल कलर एफेक्ट से फिल्टर में जाके निक कलेक्शन, इससे कलर ग्रेड करा है, और थोड़ा सा और ये आ गई है फाइनल इमेज। अगर आपको कलर ग्रेड के ट्यूटोरियल चाहिए तो आप ज़रूर बताएं मुझे, मैं कलर ग्रेड के भी बनाऊंगा आपके लिए ट्यूटोरियल। सो ये आफ्टर एंड बिफोर देख सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, एंड लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।